टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की जोड़ी बॉलीवुड की उन कपल्स में गिनी जाती रही है जिन्होंने अपने प्यार पर कभी कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन सभी मान बैठे थे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दिशा और टाइगर पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के रिश्ते को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि दिशा और टाइगर श्रॉफ के बीच ब्रेकअप हो गया है। अक्सर दोनों को साथ देखकर उनके फैंस खुश हो जाया करते हैं। फैंस को इन्हें कपल के रूप में देखना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अभी टाइगर दिशा के रिलेशनशिप को लेकर जो खबर सामने आ रही है उससे उनके फैंस का दिल टूटना निश्चित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही काफ़ी लंबे समय से अच्छे दोस्त थे, लेकिन टाइगर खुद से काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। वह फिटनेस और लाइफ को लेकर बहुत अलग नज़रिया रखते हैं। टाइगर दिशा संग रिलेशनशिप में शुरुआत से ही इस बात को लेकर क्लियर थे। दिशा पाटनी सोच रही थी कि समय के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा प्यार अक्सर ही लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन की तरह होता है। दोनों के बीच 6 साल का रिश्ता अब खत्म होने की खबर है। 6 साल से एक साथ रह रहे दिशा और टाइगर की राहें जुदा हो गईं। एक को लगता है कि दूसरा काफ़ी कंट्रोलिंग है। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से चीज़ें खराब चल रही थीं। ऐसे में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दिशा और टाइगर श्रॉफ का रिलेशनशिप अक्सर एक तरफा रहा है। दिशा पाटनी टाइगर को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने अपने काम के आगे उन्हें तवज्जो नहीं दी। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब दिशा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ को लेकर चौंकाने वाली बात कही थी। दिशा ने कहा था कि वह काफ़ी समय से टाइगर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि वह मुझे लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। हम डिनर वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन मैं फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम इससे ज़्यादा करीब रहें, ले एक तरफा प्यार है। मैंने इन्हें इम्प्रेस करने के सारे जतन कर लिए हैं, जिमनास्टिक, फिटनेस और भी काफ़ी कुछ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस समय दिशा की ये बातें सुनकर लग रहा था कि वह अपनी प्राइवेसी छिपाने के लिए मीडिया से झूठ बोल रही हैं और मिसलीड कर रही हैं, लेकिन टाइगर से ब्रेकअप की खबरें सामने आने के बाद अब लगने लगा है कि वो सही कह रही थी।